तो दोस्तों इस गुलाब की हो रही है ऐसी हालत, और अक्टूबर के मंथ में हमें कर देनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले करेंगे हम इसकी जो कुछ कटाई है, तो आप इसकी कटाई करें। और वैसे भी मैंने उसमें कर दिया था, और जो ये फूल हैं इनको हटा दीजिए, जो पत्ते इनके झड़ गए हैं ये फूल, तो आप ऐसे हटा दीजिए। और जो जहाँ फंगस लगा हुआ है उन पत्तियों को भी हटा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, और अब मैं डालूंगी इसके अंदर, तो हमें हल्के हल्के हाथों से गुड़ाई कर लेनी चाहिए। और आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी भुरभुरी मिट्टी है मेरी, इनको निकाल लेंगे हम। ये मिट्टी निकल गई है, तो अब लेंगे दोस्तों हम इस मिट्टी में थोड़ी सी ये गोबर की खाद, एक मुट्ठी के करीब गोबर की खाद लेंगे हम। ये दोस्तों गोबर की खाद लेने के बाद थोड़ी सी लेंगे हम इसमें बोन मील। बोन मील में कैल्शियम होता है, और ये हमारे प्लांट में फूल बनाने में बहुत अच्छा ही काम करता है। और जरा सा एक चुटकी फंगस न लगे तो ले लेंगे हम ये साफ फंगिसाइड। और दोस्तों थोड़ी सी लेंगे हम इसमें नीम खली, और दोस्तों ये थोड़ी सी है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इसका नाम है सीवीड। ये समुद्री के वहाँ से मिलती है और मार्केट से मिल जाएगी 50 रुपए के करीब। तो हम डालेंगे दोस्तों बस इतनी सी एक चुटकी के करीब, और अब इसे अच्छे से मिला देंगे हम। और अब डाल देंगे इसके ऊपर दोस्तों गुलाब का प्लांट को बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, हैवी फीडर वाला प्लांट होता है। थोड़ा सा डाल देंगे दोस्तों हम गुलाब के प्लांट में। ये देखिए दोस्तों ये कलम है, मैंने कलम लगाई थी, आप देख सकते हैं कलम भी मेरी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो अब मैं इसमें जो ये थोड़ा सा था इसके अंदर डाल दूंगी।